हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी कॉर्नर। व्यूअर, हमारे इस चैनल पर आपको बॉलीवुड की फेमस मूवीज़ की तमाम डिटेल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस वर्डिक आपको देखने को मिलते हैं। और आज की इस वीडियो में हमने जिन तीन मूवीज़ को सेलेक्ट किया है उनमें शामिल हैं अजय देवगन स्टारर मूवी दीवाने, और इसके अलावा अर्जुन रामपाल स्टारर मूवी दीवानापन, और अजय देवगन और अक्षय खन्ना स्टारर मूवी दीवानगी। इन तीन मूवीज़ की तमाम डिटेल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस पर इन मूवीज़ का वर्डिक क्या रहा, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है हमारी आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलें फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो अगर आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं फिल्म दीवाने का। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी बावेजा ने, और इस फिल्म की प्रोड्यूसर थी परमजीत बावेजा, और फिल्म को राइट किया था अनीस बजवी ने। ये एक फुल एक्शन रोमांटिक मूवी थी, और फिल्म की लीड कास्ट में अजय देवगन, उर्मिला, महिमा चौधरी, रीमा लागो शामिल थे। फिल्म का बजट था 8 करोड़ 50 लाख के, और इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर यानी पहले दिन पर इस फिल्म के कलेक्शन हुए 73 लाख के, और ओपनिंग वीकेंड पर इस फिल्म के कलेक्शन गए 2 करोड़ 9 लाख के, और फर्स्ट वीक के एंड पर फिल्म के कलेक्शन हुए 3 करोड़ 70 लाख के। इंडिया में इस फिल्म के नेट लाइफ टाइम कलेक्शन हुए 6 करोड़ 95 लाख के, और इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 10 करोड़ 23 लाख के। और कलेक्शन के हिसाब से अजय देवगन स्टारर मूवी दीवाने एक फ्लॉप फिल्म करा दी गई थी। तो अगर अब हम जिक्र करते हैं अर्जुन रामपाल स्टारर मूवी दीवानापन का, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आशु त्रिखा ने, और इस फिल्म के राइटर भी आशु त्रिखा ही थे, और ये भी एक एक्शन रोमांटिक मूवी थी। फिल्म की लीड कास्ट में अर्जुन रामपाल, दिया मिर्जा, विनोद खन्ना, ओम पुरी शामिल थे। और ये फिल्म, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कि 16 नवंबर 2001 को रिलीज़ हुई है, और इस फिल्म का बजट था 6 करोड़। इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 48 लाख का कलेक्शन किया। फर्स्ट वीकेंड पर इस फिल्म के कलेक्शन हुए 1 करोड़ 38 लाख, और फर्स्ट वीकेंड पर कलेक्शन गए 2 करोड़ 39 लाख तक। और इस फिल्म के इंडिया में नेट लाइफ टाइम कलेक्शन हुए 5 करोड़ 10 लाख, और फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 7 करोड़ 41 लाख के। और कलेक्शन के हिसाब से दीवानापन, जो कि अर्जुन रामपाल स्टारर मूवी थी, एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। तो इधर अब हम बढ़ते हैं अजय देवगन और अक्षय खन्ना स्टारर मूवी दीवानगी की तरफ। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनीस बजमी ने, और फिल्म के प्रोड्यूसर थे नितिन मनमोहन, और इस फिल्म के राइटर थे अनीस बजमी, नीरज पाठक और हुमायूं मिर्जा। और ये क्राइम ड्रामा मिस्ट्री मूवी थी, और फिल्म की लीड कास्ट में अजय देवगन, अक्षय खन्ना, उर्मिला, फरीदा जलाल, सीमा विश्वास शामिल थे। दीवानगी मूवी का बजट था 9 करोड़, और इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 68 लाख के कलेक्शन किए। फर्स्ट वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन गए 2 करोड़ 5 लाख के, और फर्स्ट वीक के एंड पर इस फिल्म के कलेक्शन हुए 3 करोड़ 87 लाख के। इंडिया में इस फिल्म के नेट लाइफ टाइम कलेक्शन हुए 11 करोड़ 44 लाख के, और इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 17 करोड़ 74 लाख के। और अजय देवगन की बेहतरीन परफॉर्मेंस से भरी फिल्म दीवानगी एक एवरेज फिल्म करार दी गई थी। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने तीन मूवीज़ के कलेक्शन आपके साथ शेयर किए। इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी मूवी है, कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखना न भूलिएगा। और आने वाली वीडियोज़ में आप किन किन मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में उन मूवीज़ का नाम लिखें, मैं उनके कलेक्शन और अदर डिटेल लेके आपकी खिदमत में हाजिर होने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि हमारी आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।